हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए ग्लोबल मार्केट्स। कल यूएस मार्केट तेज थी, फिर सुबह सिंगापुर निफ्टी आपको तेजी देखने को मिली थी, और आज की डेट में उसका साथ यहाँ देते हुए निफ्टी ने भी 300 पॉइंट्स की छलांग लगाई। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स अप है। आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर की बदौलत ये सारी तेजी आप देख पा रहे हो। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आने वाला है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट आने वाला है। ये बड़े नाम अभी रिजल्ट आएंगे आपके सामने दिए जाएंगे, लेकिन अभी मार्केट जो है क्लोज हो चुकी है। क्लोज होने के साथ साथ जरा एक नज़र समरी देखते हैं मार्केट की कैसी रही। कल शाम के वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हमने आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बताया था, यूएस मार्केट बहुत तेज़ थी, उसके साथ साथ सुबह सिंगापुर निफ्टी की जब बात कर रहे थे तो पूरी की पूरी एशियन मार्केट भी तेज़ थी। सिंगापुर निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ज़्यादा उछली थी। जापान की निकेई, स्ट्रेट टाइम, सारा जंप था, पॉजिटिव था। और अभी के टाइम पर अगर मैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे ही बढ़ते गए ये तेज़ी आती गई, और अभी देखोगे तो WTI क्रूड 17-18 डॉलर पर पहुँच चुका है, यानी कि नॉर्मल रेट्स पर धीरे धीरे जाते हुए 15% जंप। ब्रेंट क्रूड का ऑलमोस्ट 12-13% का जंप है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत जरूर है क्रूड ऑयल की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद अगर आप निफ्टी की हालात आज देखें तो ये देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सुबह सुबह एक नज़र आप अलग अलग सेक्टोरियल इंडेक्सेस पे जरूर देखा कीजिए कि कौन सा सेक्टर तेज मूव कर रहा है, और सुबह सुबह ही आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहीं से स्टॉक उठा सकते हो। जैसे कि निफ्टी ऑटो ने तबाही मचाई थी आज, इसमें टाटा मोटर्स, जैसा टाटा मोटर्स के ADR की हम बात कर रहे थे, तो ADR मॉर्निंग का अगर आप वीडियो देखें 8 बजे में, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो अमेरिकन मार्केट्स में है, जो एशियन शेयर्स वहां पे लिस्टेड है, जैसे HDFC बैंक, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, ये सारे तेजी दिखा रहे थे। अगर मैं आपको दिख नहीं रहा तो मैं आपको फिर से दिखाता हूं, कल से आप ये जरूर फॉलो कीजिए यहां पे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये ADR हमें यहां पे moneycontrol.com पे दिख जाते हैं। टाटा मोटर्स के ADR में 15% की तेजी US में थी, तो आज यहां पे तेजी आनी ही थी। सिमिलरली इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये भी तेज कल के डेट में US मार्केट में थे, तो वही आज इंडिया में भी हुआ। निफ्टी ऑटो सेगमेंट जबरदस्त 6-6.5% उछला है। उसके अलावा बात करते हैं IT सेगमेंट की, तो वो 5% उछला है, क्योंकि US मार्केट तेज थी तो IT सेक्टर यहाँ पे तेज उछला। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जंप जो दिया है वो निफ्टी मेटल ने, जो कि 7-8% उछला है। जरा इन शेयर्स को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पे। टाटा मोटर्स आज 20% उछल गया, जरा देखिए टाटा मोटर्स का शेयर। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 9%, भारत फोर्स 9%, अशोक लेलैंड में 9% का उछाल आया, मदरसन सुमी जैसा कि एक्सपेक्टेड था जंप आएगा बड़ा और आया, TVS मोटर। इसके अलावा जो सबसे कम उछले हैं वो टायर स्टॉक या फिर जो एंसिलरी वाले, जैसे कि एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी वाले, MRF, अपोलो टायर, और बजाज ऑटो में भी आप देख सकते हो कि 4-5% का जंप जरूर आया, और मारुति के शेयर में भी 5%। इन जो है स्टॉक्स ने जबरदस्त आज हिला के रखा। सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर में उछाला आया था, जरा एक नज़र उसको भी देखिए। APL अपोलो ट्यूब देखिए, जबरदस्त उछाल यहाँ पे देखने को मिला, ये तो एक नज़र आज की डेट में 1510 के लेवल पे भी गया था। उसके बाद वेदांता के शेयर ने में बड़ी तेजी देखने को मिली, 12% का यहाँ पे उछाल आया। उसके अलावा हिंडालको ने तो आज अपर सर्किट मारा और बढ़िया रिटर्न आज यहाँ पे इंट्राडे में अच्छे खासे ऑप्शन यहाँ पे हिंडालको में पकड़े गए। और जिंदल स्टील, टाटा स्टील, JSW स्टील, NMDC, कोल इंडिया, सबके सब तेजी थे। कुछ गिरे हुए थे तो वेल्सन कॉप और मॉइल, हिंदुस्तान जिंक, ये थोड़ा सा कम इनमें तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं ये हैं आपके मेटल सेक्टर के स्टॉक। अगर और समराइज करके IT सेक्टर के स्टॉक्स को देखते हैं तो देखिए HCL टेक्नोलॉजीज ने आज सबसे बड़ा जंप मारा IT सेक्टर में। HCL टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्टेड था यहाँ पे तेजी आ सकती है, और 10-11% तेजी देखने को मिली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इंफोसिस, माइंडट्री, और सबसे कम जो उछले हैं, जैसे गिरावट देखने को मिली हेक्सावेयर में, टाटा एलेक्साई में, NIT टेक्नोलॉजीज में। बड़े शेयर जो है HCL, TCS, विप्रो, इन्फी, इन्होंने मार्केट को हिला के रखा। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं निफ्टी में किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट। आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो इन्फोसिस का था, और इन्फोसिस के शेयर को आप देख लीजिए आज की डेट में जो इसने हाई लास्ट में अभी शाम को आते आते और तेज देखने को मिला, 720 के आसपास पहुंच गया था। कल शाम को, आज सुबह मैंने एक वीडियो आपको इंफोसिस के ब्रेकआउट का बताया था, सुबह सुबह के टाइम पर अगर आपने वो देखा होता तो आपने कहा हाँ भाई आज तो ब्रेकआउट का टाइम था इसका, क्योंकि 680 के आसपास के लेवल को पार करना था, और ब्रेकआउट के बाद अच्छा जंप, पॉजिटिव जंप मैं कहूंगा। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज मोर्चा संभाले रखा, HDFC ने भी 31 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन जरूर दिया यहां पे, TCS, HDFC बैंक, और HDFC बैंक में भी आज बड़ा ब्रेकआउट देखे हुआ है, और ICICI बैंक लिमिटेड, ये 4-5-6 शेयर है जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। HCL टेक्नोलॉजीज क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बाकी शेयर से कम है तो कंट्रीब्यूशन कम था, लेकिन परसेंटेज ग्रोथ आप बहुत देख सकते हो इसमें। ONGC ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया। अगर ओवरऑल मैं देखूं आज के 5 भारतीय शेयर्स जो हैं वो HDFC बैंक, TCS, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इन्फोसिस रहे।
हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है नेगेटिव साइड में एक अकेला महारथी खड़ा था, उसके साथ सन फार्मा, सिप्ला, फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक्स ने जरूर साथ देने की कोशिश करी, लेकिन एशियन पेंट्स को आप देखा होगा शाम आते आते इसने भी अपने रंग बदल दिए, ये भी पॉजिटिविटी में आ गया। तो ये ओवरऑल आज की डेट का जंप था। निफ्टी 50 के स्टॉक्स को अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए निफ्टी 50 में टाटा मोटर्स ने कमाल कर दिया आज की डेट में। यूपीएल ने देखिए कमाल किया, अब 14%। ONGC, वेदांता, हिंडालको, HCL टेक्नोलॉजी, जिंदल स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, इंफ्राटेल, ये सारे बहुत तेजी से भागे। उसके अलावा कोल इंडिया, गेल, विप्रो और सबसे कम भागने वाले शेयर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये नेगेटिव में थे। और सन फार्मा, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, ITC, एशियन पेंट्स, SBI, ब्रिटानिया यानी कि FMCG एंड ऑल, ये सेक्टर थोड़ा सा सूना रहा। अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस भी आज काफी हद तक खामोशी था, कोई तेजी यहाँ पे देखने को मिली नहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजब। तो इसीलिए जब भी आप सुबह सुबह कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो तो उससे पहले मेरा मानना है कि यहाँ पे आप सेक्टोरियल इंडेक्सेस जरूर देख लें कि कौन से सेक्टर्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी में ही आप लॉन्ग साइड में जाइए, और बाकी सेक्टर्स में आप शॉर्ट साइड में जा सकते हो जो नेगेटिव में जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा मैं आप निफ्टी के चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ, ध्यान से समझिए। सुबह जैसे मैंने आपको इन्फोसिस के बारे में बताया था कि इन्फोसिस का ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो पेंडिंग पड़ा है वो ब्रेकआउट आ सकता है, और आज की डेट में वो ब्रेकआउट आया, और ऐसा ब्रेकआउट आया गैप अप के साथ। जब गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया लेकिन उसके बाद बहुत टाइम तक गिरावट रही, लेकिन फाइनली उसी लेवल का सपोर्ट लिया 700 के आसपास, जहां से सुबह यहां पे हल्का सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा इंफोसिस का। कि ये वीडियो सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए बना दिया गया था। इन्फोसिस का शेयर बड़े ब्रेकआउट के पास है, नजरें बनाए रखना। देखिए सुबह सुबह ओपन होते होने से पहले आपके पास ये वीडियो अपलोड हो गई थी आज की डेट में। और अगर आपको भी टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, इस तरीके से बढ़िया बढ़िया सेटअप्स आइडेंटिफाई करने हैं, पैसा कमाना है मार्केट में, तो लर्निंग और प्रैक्टिस आपकी होगी। और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, वहाँ पे हमने टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और सब हर कोई वहाँ पे अच्छा खासा जो है मुनाफा कमा रहा है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में कहूंगा। चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे हम बात कर रहे थे कि निफ्टी जो है कल की डेट में हमने बात करी कि निफ्टी में जो है मेजर चीज जो थी फिबोनैची का 38.2% का जो रिट्रेसमेंट है वो पूरा हो गया, तेजी जरूर देखने को मिलेगी। अगला लेवल जो है वो 10,000 के पास है। वीकली पे आप देख सकते हो कि इस वीक में कल की पॉजिटिविटी के बाद ये वीक बढ़िया पॉजिटिव रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, सबसे पहले सुबह जैसे ही एशियन मार्केट तेज थी तो 150-200 पॉइंट के आसपास का तो गैप अप क्रिएट हुआ, गैप अप के बाद थोड़ा नीचे धकेलने की कोशिश हुई लेकिन फिर से ये वापस वहीं पे गया। अगला लेवल जो है याद रखिए 10,000 का लेवल है अगला फिबोनैची के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो। अब ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आज की डेट में निफ्टी में हुआ। जरा ध्यान से देखिए 30 अप्रैल की ये डेट निफ्टी ने स्टार्ट किया पॉजिटिविटी इतने बड़े गैप अप के साथ। कल जब क्लोज हुआ था तो गैप मतलब बंद होते होते बहुत ही गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज 95.50 के आसपास से जंप लिया और सीधे ये गया 97.340 के आसपास। बड़ा जंप मैं कहूँगा इसको, सीधे सीधे 200 पॉइंट्स का जंप, और फिर तेजी देखने को मिली, लेकिन ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास से इसमें फिर से करेक्शन आया और ऐसा लग रहा था कि ये निफ्टी जो है अपने आज के बॉटम पॉइंट को तोड़ेगा, लेकिन नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में 3 बजे फिर से इन्फोसिस जैसे शेयर ने तबाही मचानी स्टार्ट करी और उन्होंने वापस जो है उसी पीक के लेवल पे जो 12 बजे के आसपास पीक था वहीं पे पहुंचा, और वहीं से फिर लास्ट के 10 मिनट में थोड़ा डाउन देखने को मिला। तो ये निफ्टी का ओवरऑल डिटेल है। फिलहाल जो है पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है, ग्लोबल फैक्टर्स जो है इस पॉजिटिविटी के कारण है, इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। और साथ के साथ मैं ये कहूँगा कि अभी चेतावनी जो है वो आपके सामने है। मार्केट जो कंडीशन आपको ये बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में, वो ये मत सोचे कि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, वो इंप्रूव हो गए हैं, वो अभी उसी स्टेट पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो बड़े प्लेयर्स आपके सामने यहाँ पे बाइंग हो रही है, ये जो क्योंकि एक्सेसिव सेलिंग थी उसके चक्कर में ये बाइंग हो रही है, तो आप भी टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस, अपनी प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करते रहें। ये मत सोचे कि मार्केट बिल्कुल यहाँ से वापस 12,000 के लेवल पे पहुंच जाएगी एकदम अगले महीने, ऐसा नहीं है। मार्केट्स को रिकवर होने में टाइम लगेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे जो आपने बॉटम पे बाइंग कर रखी है टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी देखते रहें, जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बिगड़ते हुए नजर आए। आप देख सकते हो कि यहाँ निफ्टी 7500 के लेवल से अभी 10,000 का जो है इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जो है रेजिस्टेंस जोन इसके पास है। तो हम यहाँ पे निफ्टी की बात करी, ओवरऑल आपने देखा कि किस तरीके से तेजी देखने को मिली। आज के जो विजेता हैं मैं कहूँगा निफ्टी के, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर और साथ के साथ आईटी
एनर्जी सेक्टर आज का विजेता निकला है, जिसमें जिनकी वजह से आज निफ्टी इस हालात पे पहुंचने में कामयाब रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हिंडालको, देखिए हिंडालको मेरे पास ओपन पड़ा हुआ है, मैं खुद यहाँ पे ट्रेड ले रहा था हिंडालको में, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिली और अपर सर्किट इसने टच किया एक टाइम पे 132 के लेवल को टच करके, थोड़ा सा नीचे जरूर आया लेकिन बढ़िया पॉजिटिविटी, बढ़िया ट्रेडिंग एनवायरमेंट आज हिंडालको में देखने को मिला। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। ओवरऑल निफ्टी का आपने आज की डिटेल में देखा कि किस कारण की वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिली, और साथ के साथ अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ पर डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई जाती है कि क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या आपका एंट्री पॉइंट, क्या एग्जिट पॉइंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।